हाय फ्रेंड्स मेरे तो नागपाल देखिए फरमाइश आई है कि चार साल के बच्चे का स्वेटर बताइए जिसमें जो है कि आप हाई नेक बना सको तो चार साल के बच्चे का स्वेटर है फुल मेजरमेंट के साथ आपको इसे बता रही हूँ डिज़ाइन बहुत ज़्यादा खास तो मैंने नहीं डाला है ये डिज़ाइन अलग से बताया है कि आपको किस तरीके से इसे एक डायग्राम बनाया है मैंने इसमें देखेंगे आप एनिमल का ये बनी है बेसिकली आप इसे कैसे बना सकते हैं ये मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे आपको बताया हुआ है और बाकी हाईनेक आपको इसमें रेगुलर के साथ हाईनेक बताया है चार साल के बच्चे के लिए है कैसे बनाएंगे वो आगे स्टेप बाई स्टेप इसके मेजरमेंट के साथ विद स्टिचेस के साथ मैंने आपको बताया है देखिएगा इस तरीके से हाइनेक का इसका ये देखेंगे तो चलिए फिर देखते हैं कि इसे हम किस तरीके से बनाएंगे हार्डली इसमें जो है 250 ग्राम के आसपास वो लगी है और चार से पाँच साल के बच्चे को ये आराम से आ जाएगा तो चलिए देखते हैं फिर कैसे बनाएंगे चलिए अब ये देखिए इसमें मैंने 88 फंदे डाले हुए हैं अब इसमें रेगलन बनाना है 88 फंदे डालने के बाद ये डिज़ाइन ऑलरेडी जो है मैंने अपने चैनल पे बताया कि इस तरीके से आप इसे ग्राफ के द्वारा जो है डाल सकते हैं डायग्राम के द्वारा अब ये मैंने यहाँ से नीचे से ऊपर तक चौदह इंच की है चार साल के बच्चे का बता रही हूँ तो यहाँ से नीचे से ऊपर तक मैंने जो है इसमें चौदह इंच बनाए हैं अब रेगुलर कट शुरू करूंगी क्योंकि नेक बनानी है ऊपर तो यहाँ से रेगुलर कट शुरू करूंगी बाकी इसके बाजू और वो मैंने प्लेन बनाए हैं उसमें भी रेगुलर कट इसी तरीके से सेम किया है अब करेंगे कैसे देखिए ये पहला उतारा इसे उतारा सीधा किया और दो का एक कर लिया अगेन इसे उतारा सीधा किया दो का एक किया यहाँ मैं छह से सात बार पहले दो दो बार घटाऊंगी और उसके बाद जो है मैं सिंगल घटाऊंगी तो देखिए ऐसे किया आपने ये लास्ट के पांच फंदों तक आपने इस तरीके से सीधा बनाना है अब ये देखिए लास्ट के पांच फंदे बचे हैं तो इनको इस तरीके से दो का एक एंड अगेन इस तरीके से दो का एक और सिंगल ये थोड़ा सा मैं अलग तरीके से बेसिकली डिफरेंट उसकी शेप दे देती हूँ और उल्टी लाइन आपने पूरी उल्टी करनी है फिलहाल हमें पांच बार और इसी चीज को जो है दोहराना है ये दो लाइंस हमें पांच बार और दोहरानी है यानी कि दस लाइंस और बनानी है इसी तरीके से सेम जो दो लाइंस मैंने अभी आपको बताई है यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूँ वूल मैंने नॉर्मल ली है और वर्धमान की वो नॉर्मल वूल है निट वेयर करके लिखा हुआ है और दूसरी दस नंबर की सिलाई से इसे मैं बना रही हूं तो चलिए दो सिलाइया पहले हम फिर से पांच बार और इस इन्हीं दो सिलाइयों को रिपीट कर लेते हैं अब यहां पे मैंने इसे छह बार जो है इस तरीके से दो दो फंदे जैसे बताए हैं वैसे बंद किए हैं देखेंगे आप ये थोड़ा सा मैं हल्का सा थोड़ा शेप देना चाहती हूँ इसलिए मैं ऐसे करती हूँ आप जैसे रेगुलर होता है सिंगल सिंगल वैसे ही करूँगी देखिए इस तरीके से ये उतारा और इसे उतार के आप सीधा करेंगे और एक बार ही दो का एक करेंगे आप पूरी लाइन लास्ट के तीन फंदों तक सीधे और वहाँ पे भी हम दो का एक करेंगे और उल्टी लाइन तो उल्टी जाएगी अब ये देखिएगा लास्ट में तीन फंदे हैं तीन में से ये जो पहले दो है इनको दो का एक ऐसे करेंगे और ये वाला फंदा बनाएंगे उल्टी लाइन पूरी उल्टी अब यही चीज दो लाइंस में दोहराती हुई जाऊंगी जब तक मेरे पास ऊपर थर्टी फंदे रह जाते हैं तीस फंदे तब तक मैं इसे जो है दोहराती हुई जाऊंगी अब देखिए ये इसका फ्रंट पार्ट है ये मैंने यहाँ पे रेगुलर कट इसकी पूरी कर ली है ये देखेंगे आप तो यहाँ तीस फंदे मेरे बचे हैं ये देखिए ये है यहां से अगर आप टेढ़े में नापोगे तो नौ इंच आता है, और अगर आप सीधे में नापोगे तो सात इंच आता है तो इस तरीके से ये यहाँ पे तीस फंदे बचे हैं अब आती है इसकी बैक की बारी क्योंकि अब हमने इकट्ठा ऊपर हाईनेक बनाना है बैक में भी नीचे एटी एट फंदे डाले हैं चौदह इंच लंबाई करने के बाद उसी तरीके से रेगुलर कट किया है जैसे मैंने फ्रंट का बताया और यहाँ पे भी मेरे पास तीस फंदे बचे हुए हैं अब आती है बाजू की बारी तो देखिए बाजू में मैंने फोर्टी फंदे नीचे डाले हैं फिर इसको चौदह इंच लंबा बनाया और बढ़ाती भी गई हूँ जैसे हम बाजू में बढ़ाते हैं यहाँ तक रग, आम होल तक मेरे पास एटी फंदे हो जाते हैं तो उसके बाद उसी तरीके से घटाया और उतना ही लंबा घटाया जितना मैंने फ्रंट एंड बैक घटाया है यहाँ पे चौदह फंदे रहते हैं और दूसरी वाले बाजू पे भी इसी तरीके से सेम किया है ऊपर चौदह फंदे हैं अब हमने इसका नेक बनाना है तो सबको एक साथ बनाना है तो ये अब देखिए ये पहला तो हमारा सीधा जो है सीधी आ, फ्रंट जो है वो ले रहे हैं उसके बाद हमने एक बाजू लेनी है इस तरीके से एक ही धागे से अब चलेगा ये देखिए अब हम ये जो बाजू है इसे लेंगे इस तरीके से ऐसे अब इसका हम बैक लेंगे ये इसी में अब देखिए यहां पे या तो आप राउंड लगाइएगा या आपने जो है गले बुनने की सिलाई से करना है अब आप ये देखिए यहां पे हमारे पास तीस और तीस साठ और चौदह और चौदह अट्ठाईस यानी कि एटी एट फंदे हैं इस समय पूरी गोलाई में आप चाहो तो एक दो फंदे इसमें बढ़ा भी सकते हो हम नब्बे तक कर सकते हैं इसे और अब ये दूसरा जो है आप इसे भी इसी तरीके से बनाएंगे यानी कि हमने क्या है एक ही में लेना है आप चाहे तो गले बुनने की सिलाइयों में लीजिएगा या इस तरीके से राउंड जो सर्कुलर नीडल आती है उसमें आप इसे बना सकते हैं आप पहले पहली लाइन तो इस तरीके से करूंगी उसके बाद हम दो सीधे दो उल्टे का जो है इसका बॉर्डर शुरू कर देंगे ये देखिए हो गया अब एक ही में आपके सारे आ गए हैं इस तरीके से अब आपने इन्हें जस्ट इनका पहले बॉर्डर हाईनेक बनाना है तो अट्ठासी फंदे एटी फंदे या आपने अगर इसमें नब्बे भी करने हैं तो दो फंदे आप कहीं भी बढ़ा सकते हैं वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा तो देखिए अब इसे राउंड किस तरीके से बनाऊंगी जस्ट दो सीधे दो उल्टे का बॉर्डर जैसे मैंने नीचे डाला है वैसे ही इसमें जो है मैं डालूंगी इस तरीके से करेंगे हम देखिए ये डाला आपने अब मेरे पास जो टोटल है एटी एट फंदे हैं ये दो सीधे इसको थोड़ा सा यहाँ पे टाइट कीजिएगा फिर अगेन धागा अपनी तरफ दो उल्टे फिर दो सीधे दो उल्टे अब ये पूरी राउंड इसी तरीके से दो सीधे दो उल्टे करेंगे और यहाँ पे मार्क जरूर लगाइएगा जहां पे आपने जो है स्टार्ट किया है वहां पे आप मार्क जरूर लगाइएगा कि यहां से हमने जो है इसे स्टार्ट किया है बाकी इसे राउंड इसी तरीके से जितना आप जितना नेक आपको चाहिए गले के लिए उतना आप इसे जो है बनाते हुए जाएंगे अब ये देखिए इस तरीके से आपने करते हुए जाना है आप देखेंगे ऐसे दो सीधे उल्टे यह स्टार्टिंग पॉइंट मैंने रखा हुआ है यहां पे तो आपने उसी हिसाब से इसे जो है चलते हुए जाना है ये किया उल्टे गेन ये स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा दो सीधे दो उल्टे अब फिलहाल ऐसे ही हम करते हुए इसको जाएंगे। अब आप ये देखिए यहाँ पे मैंने जो है ये पाँच इंच के आसपास बनाया है बाकी इसकी लंबाई आप अपने बच्चों के गले के हिसाब से जो गर्दन होती है उसकी लंबाई जो होती है उसके हिसाब से कीजिएगा क्योंकि हर एक की किसी की थोड़ी लंबी होती है किसी की छोटी होती है तो मैंने यहाँ पे पाँच इंच बनाया है तो आप देखेंगे देखिए दिखे, इस तरीके से ये आपका जो है गला तैयार हो गया है ये देखिए ऐसे बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया तरीके से बन जाता है देखिएगा ये हाईनेक चार साल के बच्चे के लिए अब आपको थोड़ा सा जोड़ना बता देती हूँ वैसे मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है थोड़ा सा यहाँ पे एक साइड पे आपको बता देती हूँ कि आपको रेगुलन किस तरीके से जोड़ना है वैसे मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि आप रेगुलन को किस तरीके से जोड़ सकते हैं देखिए करना क्या है बाकी पोर्शन तो नॉर्मल जुड़ता है रेगुलिन के लिए जस्ट बता रही हूँ ये जहाँ से हम घटाना शुरू करते हैं सुई में धागा डाल के आपने वहाँ पर इस तरीके से डालना है थोड़ा सा इसे एक बार कीजिएगा अब जो ये बाजू का पोर्शन होता है ये देखिए यहां पे भी, भी जहां हमने घटाना शुरू किया है ये, ये दिखेगा आपको तो यहां से हम इस तरीके से ऊपर से डालेंगे और इनको जोड़ देंगे ऐसे अब जोड़ना किस तरीके से है नीचे रखिएगा इस तरीके से अब यहां से ये जो दिख रहा है आपको देखिए ये इस तरीके से डालेंगे जस्ट एक फंदे के बाद और यहां से भी आप ऐसे डालेंगे वैसे मैंने अपने चैनल पे बताया हुआ है ऑलरेडी आप उसे भी देखकर कर सकते हैं फिर ये ये देखिए ऐसे इस तरीके से और फिर इस साइड ये अगेन यहां से यहां से ये यह देखिए इस तरीके से आपने ये ऊपर तक करते हुए जाना और जब ये थोड़ा थोड़ा हो जाए तो आप जस्ट इसे खींच लीजिएगा ये देखेंगे आप ये देखिए जुड़ गया अब इसी तरीके से यहां तक करते हुए जाना है और उसके बाद ऊपर इसे आपने बंद कर देना है ये देखिएगा आप देखेंगे कि इस तरीके से ऐसे ये जुड़ जाता है इस अब सारा आपने इसी तरीके से चारों तरफ पहले ऐसे ही बंद करना है और उसके बाद हम इसके बाजू और साइड्स जो है बंद करेंगे अब ये देखिए जब आपने इस तरीके से ये बंद कर लिया और आप ऊपर लास्ट पे पहुँचे हैं तो जस्ट यहाँ पे ध्यान से देखिएगा और ये छेद नहीं रहना चाहिए जो दिख रहा है आपको तो यहाँ पे भी आपको ऊपर तक यानी कि यहाँ पे इस तरीके से ऊपर तक जाना है ताकि ये छेद आपका रहना नहीं चाहिए ये किया आपने और अब आप यहीं पर नीचे करके आप इसे बंद कर दीजिए अंदर से अब ये देखिए इस तरीके से ये आपका रेगुलर ऐसे ही आपने सारे जो है चारों जोड़ने हैं ये इस तरीके से जुड़ गया अब ये भी आपको चारों तरफ से ऐसे जोड़ने हैं बाजू पहले और उसके बाद आप इसका साइड्स जैसे हम जोड़ते हैं उस तरीके से जोड़ेंगे ये अभी यहाँ पे फिनिशिंग वर्क इसका रहता है करना तो आप ये देखिए ऐसे तैयार हो गया यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा आपको मैं हाईनेक इसका चार साल के बच्चे का तैयार हो गया यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज बता दूँ आप चाहे तो एक सीधा एक उल्टा भी रख सकते हैं बट अच्छा रहता है कि अगर दो सीधा दो उल्टे करेंगे तो ये जो इलास्टिसिटी है ये दो सीधे दो उल्टे में ही रहती है एक सीधे एक उल्टे में नहीं रहती है और जो हम बंद करते हैं ऊपर गला वो जैसा दिख रहा है वैसे बंद करना है यानी कि आप एक साथ नॉर्मल सीधा सीधा करके बंद नहीं कीजिएगा दो उल्टे हैं तो दो उल्टे बंद करेंगे दो सीधे हैं तो दो सीधे में बंद करेंगे तब कहीं जाके आपका ये ऊपर का हिस्सा जो है अच्छे से इस तरीके से आता है अदरवाइज वो टाइट हो जाता है तो फिर आप लोग सोचते हैं कि ये टाइट कैसे हो गया ये अब खुलेगा किस तरीके से ऐसे होता है तो देखिए ये देखेंगे आप ऐसे आपका बच्चे का स्वेटर हाइनेक वाला चार साल के बच्चे के लिए जो है तैयार हो गया बाकी आगे आपने जो है इस तरीके से जो मैंने डिज़ाइन बताया है उसमें आप ऐसे करके पम्पम बना के लगा सकते हैं या आप चाहे तो इसमें कुछ और भी लगा सकते हैं वो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कीजिएगा तो आपका ये स्वेटर जो चार साल के बच्चे का फुल मेजरमेंट के साथ आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से आप इसे बनाएंगे तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ थैंक यू